नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के कुरवाई में मारपीट के विरोध में शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन। 14 अगस्त की रात स्वतंत्रता दिवस की तैयारी करते समय हुई थी मारपीट। विकासखंड में ज्यादातर स्कूलों की शासकीय भूमि पर दबंगों ने कर रखा है अतिक्रमण। कुरवाई में आज आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने अनुविभागीय अधिकारी आरती यादव के नाम तहसीलदार हेमंत शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से संघ ने मांग की है कि विगत 14 अगस्त की रात में EPES माध्यमिक शिक्षा शाला बरखेड़ा में पदस्थ प्रधान अध्यापक गोरेलाल लहरवार के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजने एवं कड़ी कार्यवाही की मांग की है। साथ ही आरोपियों द्वारा शाला की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, उसे प्रशासन द्वारा तत्काल बुलडोजर चलाकर जमींदोज करने की मांग की। साथ ही संघ ने आरोप लगाते हुए कहा कि शाला के प्रभारियों द्वारा पूर्व में भी अतिक्रमण के संबंध में प्रशासन को कई बार लिखित सूचना दी गई थी, किंतु प्रशासन द्वारा लगातार अनदेखा किया गया, जिस कारण यह घटना हुई। इतना ही नहीं, संघ ने आरोपियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिक्षकों को लगातार धमकाया जाता रहा है और अपनी महिलाओं को आगे कर झूठे 354 तथा 376 के मामले में फंसाने की धमकी दी जाती रही है। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं तथा उन्हें गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदर की कार्यवाही की जाए। साथ ही शिक्षक गौरेलाल जो कि शाला में पदस्थ है उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि आरोपियों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। कुरवाई संवाददाता मजाज मोहम्मद की रिपोर्ट। आदरणीय प्रधान अध्यापक श्री गोरेलाल जी हलवार जो बरखेड़ा में पदस्थ हैं, उनके साथ 14 तारीख को जो है चंदू और उनके साथी भाई के साथ जो है नीरज के साथ मारपीट की गई, उसी से संबंधित दी गई। अगर 3 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो शिक्षक जो है साले पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, एक को किया गया, अभी एक अभी फ्री है, अभी एक घूम रहा है ऐसा सुना है। दोनों को गिरफ्तार किया जाए, उन पर एक सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उससे पहले भी शिक्षकों के साथ उन्होंने लगातार इस प्रकार की घटनाएं की हैं। शासन प्रशासन से हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि विद्यालय की जितनी भी शासकीय भूमि है उन सबको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। जब मैं स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहा था उसी समय घटना हो गई थी। मुझे कमरे में बंद करके और पीटा गया और एक मेरे साथी को भी चैलेंज दे दिया कि तू कुछ कहेगा तेरी भी खैर नहीं होगी। धीरज सिंह और चंदू